ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हम। ये चैनल के आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप स्ट्रॉन्ग दोस्ती किसे कहेंगे? वो जो आपके अच्छे समय में साथ हो, वो जो आपके बुरे और अच्छे दोनों समय में एक साथ आपके साथ खड़ा रहे। कुछ ऐसी ही दोस्ती शेयर करते हैं मधु शर्मा और पवन सिंह। जी हाँ, अच्छा समय हो या बुरा समय हो, मधु शर्मा और पवन सिंह एक दूसरे के लिए रॉक की तरह खड़े रहते हैं हमेशा। और आपको इसका प्रमाण भी हम दे सकते हैं। मधु शर्मा तब पवन सिंह के सपोर्ट में आई थी जब पवन सिंह को भोजपुरी इंडस्ट्री में सच बोलिए तो सपोर्ट की ज़रूरत थी, वो भी फीमेल एक्ट्रेसेस की, जो उनके सपोर्ट में खड़े होकर ये कह सके कि पवन सिंह एज अ कैरेक्टर वाइज कैसे इंसान है। तब मधु शर्मा ने पवन सिंह के बारे में ये कहा था कि पवन सिंह भले ही नेवल वाला स्टेप सभी एक्ट्रेसेस के साथ करते हों, लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि उनका ये स्टेप मुझे नहीं अच्छा लगता, तो उन्होंने आज तक कभी मेरे साथ वो स्टेप डांस में कभी भी नहीं किया। उन्होंने वही किया जो कि मुझे कन्वीनियंट लगा। आपको बता दें, ये सब कुछ उन्होंने एक लीडिंग यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देते वक्त कहा था। और अब जब तुमसा कोई प्यारा कोई रिलीज़ हो गया, हिट हो गया, तो भी मधु शर्मा ने इस गाने के लिए अपना रील बनाया, साथ ही पवन सिंह को सपोर्ट करने पवन सिंह के रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंबई में पहुंच गई। और वहां पर से इन दोनों की ये फ़ोटो बड़ी तेज़ी से मीडिया में वायरल हो रही है। तो इसे कहते हैं अच्छी और सच्ची दोस्ती, जो बुरे और अच्छे वक्त में आपके साथ वो दोस्त डट के खड़ा रहे। इसीलिए शायद भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह मधु शर्मा को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। ये चैनल के आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।